Hey guys, welcome to the new video of Air Software in India. Air Software in India के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है. आज हम आपके लिए लेकर आए हैं Legends Cowboy Lever Action CO2BB Air Rifle. लुक देख के समझ गए होंगे कि ये जो है ये इम्पोर्टेड एयर राइफल है. ये जो है बेसिकली सेल्फ इंजेक्टिंग गन है. इट मीन्स इसमें ये जो शेल्स होते हैं ये शेल्स इसमें आपको डालना होता है. मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्या ऐसी चीज़ है जो इस राइफल को काफ़ी ज़्यादा बेहतर, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग, ब्यूटीफुल, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इसको बहुत ज़्यादा बेहतर बनाती है. पहली बात, ये जो है इट इज़ मेड थ्रू उमरेक्स. ये उमरेक्स द्वारा बनाई जाती है. सेकेंड थिंग, ये जो है ये CO2 एयर राइफल है. इट मीन्स इसमें जो है 12 ग्राम का CO2 डलता है. ये CO2 आपको इसका जो बैक पार्ट है यहाँ पे आपको CO2 डालना होता है. यहाँ से CO2 डालने के बाद इसमें आपको शेल इंजेक्ट करना होता है. अब शेल कैसे इंजेक्ट होगा उसके पहले आपको बता देते हो CO2 जलता है. बाकी गन्स पे आप देखते हो तो उसमें मैक्सिमम आप एक ही CO2 डाल सकते हैं. एक्चुअली CO2 का जो ऑप्शन होता है एक ही CO2 एट ए टाइम आपको डालना होता है. बट दिस इज ओनली द राइफल. हमारे पास अभी सिर्फ यही एक राइफल है जिसमें आपको 2 CO2 एट ए टाइम लगाने होते हैं. इट मीन्स जो प्रेशर होगा वो काफ़ी ज्यादा क्रिएट होगा. आप देख सकते हो ये 10 शेल्स आते हैं. सो एट अ टाइम इसमें 10 शेल्स जो है वो डल जाते हैं. एंड आपको ये लीवर एक्शन है. इट मींस कि आपको ये जो है ऐसे नीचे की तरफ करके और ऐसे ये यूज में आ जाएगा. तो ये जो है ये बीबी एयर राइफल है. इसमें बीबीस आपको 4.5 mm कैलिबर का जो बीबीस है वो आपको डालना होता है. ये लीवर एक्शन है बेसिकली. सो आपको एवरी टाइम ये जो है लोड करना होगा. शेल जो होगा वो इजेक्ट होगा और एवरी शेल जैसे आप एक बार इसको लोड करते हो तो जो शेल होगा वो एक बार में बाहर आ जाएगा. फिर आप लोड करते हो फिर ये बाहर आ जाएगा. जो शेल होगा वो एवरी टाइम निकलते जाएगा खुद से. एंड ये जो है ये 10 राउंड की कैपेसिटी के साथ आता है. पावर आप देखते हो इसका तो ये जनरली 180 मीटर पर सेकेंड. इट मीन्स अगर FPS में इफ़ यू कन्वर्ट इट 600 FPS तक का इसका जो टारगेट रेंज है वो पर सेकेंड पे आपको ये मिलता है. इसका जो फ्रंट साइड है आप देख सकते हो ये जो है ये फिक्स्ड है. एंड जो बैक साइड होगा उसको आप एडजस्ट कर सकते हो इसको अपने हिसाब से. जैसे आप कंफर्टेबल नहीं हो पाते तो अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो. ये जो है इस पे सेफ्टी जो है वो मैनुअल है. सो अगर आप इस पे सेफ्टी रखना चाहते हो तो सेफ्टी पे रख सकते हो या फायरिंग पे भी ये ऑटोमेटिकली आप करना चाहते हो तो वो आ जाता है. ओवरऑल लेंथ की बात करें तो 38 inches का है ये. ओवरऑल अगर बैरल लेंथ की बात करते तो 19.5 inches का आपको जो बैरल लेंथ है वो मिलता है. तो ये होगा कुछ वुडन फिनिश में आ रहा है. एंड इसका जो बैरल है वो आप देख सकते हो सिल्वर में है. एंड बैरल फुल ब्लैक में ये आपको रहा है. एंड यहाँ पे उन्होंने कुछ अपने गन नंबर की मार्किंग एंड कैलिबर की जो है वो उन्होंने कुछ मेंशन कर रखा है. कुछ इस तरीके से ये जो राइफल है वो आपको आएगी. ये ओनली अ राइफल है ये हमारे पास जो काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं कुछ चीज़ें ऐसी होती जब मैं कुछ चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ. ये बहुत ज़्यादा मतलब जो एक दिल से होती है ना मतलब बहुत ज़्यादा ये वो राइफल है. क्योंकि इसमें काफ़ी कोई भी आप अभी आप हमारे पास कोई भी गन देखते हैं तो उसमें आपको शेल वाले कोई भी ऑप्शंस नहीं मिलते हैं. मिलते हैं बट रिवॉल्वर्स में मिलते हैं बट राइफल में ऐसे मोस्टली ऑप्शंस आते नहीं हैं. दिस इज ओनली अ राइफल जो शेल आप इजेक्ट कर सकते हो. मतलब जो आपको प्रॉपर पूरा रियल की तरफ जो फ्री होकर के आपको एकदम पूरा फील देता है ये वो राइफल है. 100% अगर मेरा कोई फेवरेट अब बन रहा है तो दिस इज ओनली अ राइफल जो काफ़ी अच्छा मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. अगर आप तो फिर आपको पता ही है. और इसके अंदर 2 CO2 डलता है तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा पावर होगा इसके अंदर. एंड एक बार जब आपने लोड कर ले कितना मजा आने वाला है. जब मैं आपको फायरिंग करके दिखाऊंगा आप पागल हो जाओगे. नब नेक्स्ट पार्ट, हाउ टू लोड सेल्स. बिल्कुल असली गन वाली फीलिंग आती है. जस्ट पुश इट एंड पुट इट इनसाइड. दूसरी लीजिए, जस्ट पुश इट, इट विल गो इनसाइड. बहुत ही मजा आता है. ऐसा लगता है कि मैं रियल फायर आर्म को इस्तेमाल कर रहा हूं. दिस इज ब्यूटी गाइस. अगर आप गन के शौकीन हैं दिस गन इज फॉर यू. एज अगर आप शौकीन नहीं है फिर तो कोई बात ही नहीं है. देन यू कैन ऑलवेज गो फॉर यू नो चीपर वन. ये जो है राइफल है बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है. ये जो है मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल. लिमिटेड क्वांटिटी में है. अगर आप दिवाली में कुछ खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो देन यू शुड गो फॉर दिस वन. ये सदियों तक आपके घर पर रहेगा. आप अगर इसको चलाओगे नहीं भी तो घर पर जो है सजा के रखिए, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा. चलिए इसको हम लोग लोड कर देते हैं. यू कैन सी इट इज़ ऑल लोडेड. अब जो है मैं आपको दिखाऊंगा ये लोड कैसे होता है. इसका ये पार्ट जो है नीचे आता है जस्ट लाइक रियल गन, है ना, ऐसे. अभी क्योंकि ये लॉक्ड है तो हम इसका फायरिंग का खोलते हैं. नाउ सी, इसको हमने लोड किया एंड लॉक कर दिया. अंदर आपने देखा सेल है. सामने आप देख सकते हो मेरे पास टारगेट है. हम लोग उस पर फायर करेंगे और आप देखिएगा सेल्स कैसे बाहर
उड़ते हैं, तो I'm gonna hold it and watch. Wow, that is amazing. बहुत बहुत ज्यादा मजा आया. अब देखिए जैसे मैं इसको नीचे करता हूं, you will see that cell जो है बाहर आते हैं and it is locked. Now watch. बहुत ही अच्छा. जितनी बार मैं इसको खींचता हूं सेल्स बाहर आते हैं, आई गेट द फीलिंग ऑफ अ रियल गन. वाओ, दैट इज द फन पार्ट. इसमें यही फन पार्ट है. बहुत ही ज्यादा. एंड आई कैन सी मैंने एक जो है 10 पे भी मारा है. बहुत ही फन. लुक एट द गाइस, लुक एट इट, लुक एट इट. कमाल है यार, कमाल है. ये गन मेरी फेवरेट बन गई है. जब सेल उड़ते हैं ना, मुझे सिर्फ डर है कि सेल घूम ना जाए, पर दिस इज अमेजिंग. ओके, सो गन से खत्म हो गए हैं सेल्स. चलिए देखते हैं हमने क्या तबाही मचाई है. गाइस आप देख सकते हो कि एक राउंड बाहर गया, बाकी सारे मैंने ब्लैक में मारे हैं. और इतना ज्यादा मैं लाइटली ले रहा था, ध्यान से मैं फायर भी नहीं कर रहा था. एंड लुक एट द फायरिंग, माय गॉड. मैं तो 10 पे गए हैं 2, और एक और बार लोड करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं सारे के सारे राउंड बीच में मारता हूं. डाल देता हूं, यू कैन सी. एंड लेट्स गो एंड लेट्स फायर. चलिए मैं फटाफट फायर करने वाला हूं. आई एम गोना मेक इट वेरी रैपिड फायर. वन, टू, थ्री, फोर. ओके, दैट वाज अमेजिंग. चलिए देखते हैं. जल्दी जल्दी में 2 राउंड्स मैंने बाहर मार दिए, बाकी आप देख सकते हो बाकी राउंड्स भी हैं, कितने सेंटर के पास गए. और आप देख रहे हो कितना रैपिडली मैं फायर कर रहा था, कितना रैपिडली फायर कर रहा था. स्टिल इट इज अमेजिंग गाइस, बहुत ही अच्छा. सो दोस्तों यू कैन सी मैं इसके सेफ्टी को जो है खोल रहा हूं, और चलिए थोड़े और शॉट्स को फायर करते हैं. ओके, दैट वॉज इट गाइज. सो गाइज आप देख सकते हो कि मैंने बहुत सारे राउंड बीच में मारे. ये इसको छोड़ के बहुत अच्छी गन है. अगर ये ऑर्डर करना, क्योंकि ये लिमिटेड स्टॉक है, सो अगर ये आप ऑर्डर करना चाहते हो, प्राइसिंग के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो. तो ऑर्डर करने के लिए जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वहां से क्लिक करके आप डायरेक्टली वेबसाइट से जाकर के आप वहां से ऑर्डर कर सकते हो. अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हो या अगर कुछ डिस्काउंट जैसा आप कुछ सोच रहे हो, उसके लिए आपको जो स्क्रीन पे नंबर होगा उस पे आप कॉल कर सकते हो. हम अवेलेबल होते हैं, उस पे कॉल करने के बाद आपको जो भी डिटेल्स चाहिए होगी उस पे आपको मिल जाएगी. कॉल बैक रिक्वेस्ट का ऑप्शन अवेलेबल है. अगर आप चाहते हो, अगर हम अवेलेबल नहीं हो पाते तो आप कॉल बैक का रिक्वेस्ट अवेलेबल होगा, आप उसका नंबर और आपका जो नाम होगा वो आप सबमिट कर सकते हो. सो नेक्स्ट डे आपको हमारी तरफ से जो कॉल है वो आ जाता है. आप मेल कर सकते हो airsoftgunindia@gmail.com पे. हम इन्फो पे अवेलेबल हैं, सो यस आप इन्फो पे भी आप हमें मेल कर सकते हो, info@airsoftgunindia.com पे. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए एंड फटाफट से इसको आप ऑर्डर भी कर लीजिए. ये 0.177 का, इट इज वेरी ऑब्वियस कि इसमें जो है लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट नहीं होगी. सिर्फ आपका एक आईडी प्रूफ रिक्वायर्ड होगा. आपका कोई भी एक आईडी प्रूफ, लाइक इफ यू हैव आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, तो वो उसमें से एक डॉक्यूमेंट जो होगा वो आपको सबमिट करना होगा, सो दैट आपको ये आपके जो डोर स्टेप है ये आपको डिलीवर हो जाएगा. डॉक्यूमेंट के रिलेटेड अगर आपको कुछ भी क्वेरी कि आपका इसका जो डॉक्यूमेंट है उसका कोई मिस यूज हो सकता है, तो वैसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज योर सेफ्टी इज आर प्रायोरिटी. टिल देन गाइस, हैव फन.